राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा में 27वां खंड स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन शुरू हो गया है। 11 से 13 तक चलने वाले इस विज्ञान सम्मेलन के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि SBC डिप्टी जनरल मैनेजर NBCC इंडिया लिमिटेड ने दीप प्रज्वलित कर किया। बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा में 27वां खंड स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन शुरू हो गया। 11 से 13 तक चलने वाले इस विज्ञान सम्मेलन के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि SB सिंह डिप्टी जनरल मैनेजर NBCC इंडिया लिमिटेड ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य अरुण गौतम ने अपने अभिभाषण से मुख्य अतिथि तथा अन्य अतिथि गण एवं विभिन्न पाठशालाओं से आए हुए नन्हे वैज्ञानिकों का स्वागत किया। स्थानीय पाठशाला के बच्चों ने बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत किए। जिला विज्ञान प्रवेशक अमृत महाजन ने इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा सबके समक्ष रखी तथा उन्होंने बताया कि सदर उपमंडल के इस बाल विज्ञान सम्मेलन में 75 पाठशालाओं के 479 बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में विभिन्न स्कूलों के 400 के करीब होनहार भाग ले रहे हैं। यहां से चयनित होने के बाद होनहार जिला स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों से आग्रह किया कि वे विज्ञान की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर अपने देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करें व खूब तरक्की करें। सबको पता, आप सबने बताया है, उस पे न जाते हुए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एम्स के बारे में बताऊंगा और फिर बच्चों के बारे में दो चार बातें करूंगा उनके करियर और फ्यूचर से रिलेटेड। एम्स बिलासपुर अपने आप में हिमाचल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट कहना इसको गलत होगा, एक इंस्टीट्यूशन है, एक वो है जो बिलासपुर के लिए एक नियामत बनेगा। पहाड़ों में वैसे भी प्रॉब्लम होती है आने जाने की, इससे पहले अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो PGI चंडीगढ़ या दिल्ली में एक एम्स हुआ करता था। गवर्नमेंट ने अभी प्लानिंग करी है कि हर स्टेट में एटलीस्ट एक एम्स होना चाहिए, उसी के तहत बिलासपुर में एम्स शुरू हुआ है। अभी प्रिंसिपल साहब बता रहे थे, आए थे मेरे ऑफिस में, मैंने उनको बताया था 50 साल की प्लानिंग और 3 टाइम जनरली ये होता है। PGI में आप जाइए तो वहां फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कोई जगह नहीं, जबकि फ्यूचर एक्सपेंशन की बहुत जरूरत है। ये 750 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और हमने प्रोविजन ये रखा है कि उसी जमीन में, जो जमीन अभी 247 एकड़ स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, उसी जमीन में दो बार इतना ही बड़ा एम्स और बन जाए। फाउंडेशन कमजोर है।